सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं। हेलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं ये वीडियो लेक्चर सीरीज जो कि है कोर्स 504 और कोर्स 505 के लिए। तो अगर आपने अब तक के पहले के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं कोर्स 504 और कोर्स 505 के, तो उन्हें देखने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर जरूर क्लिक करें। साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज भी है, तो वो भी आप जरूर देखें, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन चेक जरूर कर लें। आज इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और अगले टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है कोर्स 505 का ब्लॉक 2 का यानी कि ब्लॉक 2 का यूनिट 5 यानी इकाई 5 का इकाई 5 का ये टॉपिक है 5.4.1 यानी कि 5.4.1। इसका नाम है सहयोगी अधिगम के उपयोग। तो हम इससे पहले के लेक्चर में सहयोगी अधिगम क्या होता है यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, वो अप्रोच क्या है सिखाने की, वो हम समझ चुके हैं और अब हम उसके उपयोगों के बारे में जानेंगे कि इसके क्या उपयोग हैं। तो यहाँ पर सहयोगी अधिगम के बारे में बताया गया है कि जो भी सहयोगी अधिगम के अंतर्गत सिद्धांत होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो रिसर्च होती है या जो भी प्रैक्टिस उसमें होती है, उसका एक मजबूत आधार होता है यानी कि वो एक मजबूत आधार लेके चलती है सिखाने का। और सहयोगी अधिगम के क्या क्या फ़ायदे हैं इसको हम को समझना बहुत ज़रूरी है। और देखिए पर्यावरण अध्ययन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसी के अंतर्गत बताया गया है कि इकट्ठे सीखना, तो सहयोगी अधिगम इस बात को सबसे ज़्यादा सिखाता है कि किस तरह से इकट्ठे सीखा जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन के केस में यहाँ पर बात की जा रही है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के केस में। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि किरण एक प्राथमिक शिक्षक हैं और उन्होंने सहयोगी अधिगम के लाभ के बारे में उनको समझा कि क्या फ़ायदे हैं इसके, और उसके अनुसार पर्यावरण अध्ययन के एक प्रकरण को पढ़ाने में यानी कि एक टॉपिक को पढ़ाने में इसका उपयोग किया सहयोगी अधिगम की टेक्निक का। देखिए उन्होंने क्या किया कि बच्चों को उससे कहा कि आप अपने परिवार में किसी न किसी हाल में कोई ना कोई यात्रा की होगी, तो यहाँ वो यात्रा के प्रकरण को समझा रही हैं सहयोगी अधिगम की तरीके को उपयोग करते हुए। तो उन्होंने बच्चों से कहा कि आप जहाँ घूम के आए हैं उसका विवरण लेकर आएँ, जहाँ भी आपने यात्रा की हो। बच्चों से कहा, सभी बच्चे जो अब कहीं ना कहीं यात्रा करते ही हैं, तो उन्होंने इस बात पर उनसे चर्चा की और उनसे निम्नलिखित जानकारियाँ प्राप्त की। उन्होंने बच्चों से पूछा कि आप या आपके परिवार के सदस्य कौन सी जगह गए हैं, वह जगह आपके कस्बे शहर गांव से किस प्रकार से अलग है, उस जगह का प्रसिद्ध खाना क्या है, फूड क्या है और पकवान क्या थे, उस जगह पर कौन सी भाषा बोली जाती है, ये उन्होंने सवाल किए। तो शिक्षक ने इस तरह से कुछ प्रश्नों को बच्चों से किया जो जानकारी उन्होंने दी किस तरह से वो यात्रा करके आए थे। और इस द्वारा इस टेक्निक को कहा गया जोड़ियों में बांटना टेक्निक कहा गया, ये भी सहयोगी अधिगम का एक हिस्सा है कि किस तरह से उन्होंने अलग अलग एक तरह से ग्रुप्स से बट गए और अलग अलग जानकारियां उनसे प्राप्त की, जोड़ियों में बांटना टेक्निक कही इसको तकनीक कहा। इस तकनीक का प्रयोग करके करने के 4 चरण बताए गए। प्रत्येक बच्चा शिक्षक के प्रश्नों का जवाब देता है, तो शिक्षक ने जो प्रश्न किए उसके जवाब दिए बच्चों ने, उसके बाद दूसरे बच्चे के संग जोड़ी बनाता है यानी कि एक ग्रुप में एक पेयर बनाता है और अपने सहयोगी के साथ मिलकर टोली का पूरा कार्य करता है। तो यानी कि यहाँ पर ग्रुप्स में पैर बना दिए, सभी के एक पैर बना दिए बच्चों के साथ में और उनको काम करने को कहा गया और प्रश्नों के जवाब देने को भी मिले बच्चों ने जो शिक्षकों ने उससे पूछे थे। तो ये एक्टिविटी उन्होंने सहयोगी अधिगम के उपयोग के जरिए सिखाई, इसमें सहयोगी अधिगम का उपयोग किया। यहाँ पर देखिए ये बताया गया है कि सफल होने के लिए बांटना, तो जो बांटने का कार्य है जो हमने सीखा कि बांटने की जो तकनीक है जोड़ियों में, वो एक बहुत अच्छी तकनीक है जिसके जरिए सिखाने में बहुत मदद मिलती है। कई संयुक्त प्रयासों से बाकी कक्षा के साथ बांटना सहयोगी अधिगम क्रियाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि जो भी एक्सपीरियंस बच्चों को हैं वो दूसरे के साथ बांटना ग्रुप्स में या पेयर्स में जोड़ियां बनाकर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे काफ़ी कुछ सीखने मिलता है, एक सीखने का वातावरण तैयार होता है, सफलता और उपलब्धि पूरी कक्षा की होती है क्योंकि यहाँ पर सभी लोग पेयर में काम कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं होती है, तो एक अच्छी भावना पैदा होती है बच्चों के अंतर्गत।
और यहाँ पर कक्षा के बाद आपको ये कोशिश करनी चाहिए, जब आप ऐसी एक्टिविटी कराते हैं इस तरह से, तो समय दें कम से कम 1 हफ्ते का, जिससे कि जो सीखने सिखाने के तरीके हैं उन पर विचार किया जा सके, किस तरह से सीखना है, क्या क्या चीज़ें जानकारी नोट करनी है, और इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होता है। तो ये पेयर बनाने की जो टेक्निक है सहयोगी अधिगम उपागम के अंतर्गत, ये काफ़ी मदद करती है। तो इस तरह से उपयोग किया, देखिए आपने एग्जाम्पल समझा और क्या क्या उपयोग हैं ये समझे, तो आपको समझ में आएगा किस तरह से ये मदद करती है सहयोगी अधिगम। अब हम चलते हैं सहयोगी अधिगम के नियमों की तरफ। इसके नियम क्या होंगे, देखिए यहाँ इसको फॉलो करने के कुछ नियम हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए आप समझ रहे हैं कि यहाँ ग्रुप्स में डिवाइड करना, बच्चों को बांटना, पेयर्स बनाना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। छोटे समूहों के लिए सहयोग अधिगम के कई तरीके और संरचनाएं हो सकती हैं, यानी कि छोटे छोटे ग्रुप्स में कई तरीकों से इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं, सिखाने के उपयोग किए जा सकते हैं। अब आपको ये करना चाहिए कि आप ये समझें कि सहयोगात्मक अधिगम क्या होता है, उसके क्या महत्वपूर्ण पक्ष हैं। अगर आप ये समझ जाएंगे कि कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, सहयोगी अधिगम क्या होता है, तो उसको कैसे कराया जाता है, तो आप तरीके तो खुद के ही कई ऐसे ईजाद कर सकते हैं जो कि सिखाने में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो उन महत्वपूर्ण चीज़ों को हम यहाँ जानेंगे जो सहयोगात्मक अधिगम यानी सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो समझिए इन चीज़ों को। पहला पॉइंट दिया गया है कि सकारात्मक रूप से एक दूसरे पर निर्भरता। तो जो एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होती है, यानी कि ग्रुप्स में हम जानते हैं कि यहाँ बच्चों को डिवाइड किया जाता है, पेयर्स में बनाए जाते हैं उनके, तो यहाँ पर जो उनको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रुप बनाया गया है वो किस खास उद्देश्य के लिए बनाया गया है, उसको पूरा करने के लिए क्या क्या साधन संसाधन उनको दिए गए हैं, और उन्हें किस तरह से एक ग्रुप के तौर पर एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे पर निर्भर रहकर सकारात्मक रूप से काम करना है। और उसको ग्रुप्स को नाम दीजिए, जैसे कि उनमें एक अच्छी भावना पैदा हो कि ये हमारे ग्रुप का नाम है, और आपने देखा भी होगा इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, तो वो एक ग्रुप में उनको काम करने की, टीम के रूप में काम करने की एक प्रेरणा मिलती है, एक सकारात्मक भावना और मनोवृत्ति का विकास होता है जो एक दूसरे को प्रोत्साहित करता है। दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगत जिम्मेदारी। तो यहाँ देखिए प्रत्येक बच्चे को कुछ ना कुछ काम यहाँ पर देना बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति ये समझे कि उसकी कुछ जिम्मेदारी है, उसको वो महत्वपूर्ण है, और सभी को कुछ ना कुछ काम दें सभी बच्चों को, और उनको कुछ भी कहा जा सकता है। मान लीजिए जैसे कि बच्चों को कंकड़ इकट्ठा करने, पत्ते समेटने, या रबर से बने हुए पदार्थ इस तरह से चीज़ें बनाने, मतलब कोई भी काम हो सकता है जो आप उनको दे सकते हैं, जिससे कि सभी बच्चे इन्वॉल्व रहे हैं और सभी को ये लगे कि वो जो काम कर रहे हैं वो ज़रूरी है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी देकर उनको एक जिम्मेदारी की भावना उनको दी जाए, और समूह ही अपनी एकत्र की हुई वस्तुओं को नाम देता है। तो ग्रुप्स में बच्चों को ये स्वतंत्रता दें कि वो अपनी इकट्ठी की गई वस्तुओं को नाम दें, अपनी क्रिया को करें। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरह से आप व्यक्तिगत जिम्मेदारी देकर बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। दूसरा ये पॉइंट है सहयोगी अधिगम का, इसके सिद्धांतों का। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत, समान स्तर पर सहक्रियाएं। तो देखिए समूह के सदस्यों के बीच समान स्तर पर सहक्रियाएं समूह के सहज कार्य हेतु आवश्यक है। तो यहाँ ग्रुप्स में बनाते समय हमें ये बहुत ज़रूरी है कि जो ग्रुप्स बनाए गए हैं उनमें जो भी आप एक्टिविटी करवा रहे हैं, सभी को अलग अलग काम देते हैं, वो एक जैसी क्रियाएं, मतलब एक ग्रुप को एक दे दी, दूसरे को अलग अलग दे दी, तो इससे उनमें एक समान कार्य को करने की एक समानता की भावना उनमें आती है, और एक साथ मिलकर शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करते हैं, उनका एक दूसरे के संग खुशी से काम करते हैं एक तरह से। और शिक्षक होने के नाते आपको हर स्थिति को संभालने का और समझने का आवश्यकता है, और उसके अनुसार बदलने की या उसमें महत्वपूर्ण योगदान देने की भी आवश्यकता होती है। समूह के सदस्यों को समान स्तर की सहक्रियाओं को करवाने के लिए यह बहुत ज़रूरी है। आप प्रत्येक शिक्षार्थी को जानते होते, यानी कि हर विद्यार्थी पर आपकी पकड़ हो, आप समझते हो कि वो कैसा है और किस तरह से उससे काम करवाना है, किस ग्रुप में लगाना है, ये आपको आना चाहिए। तो ये 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत अगर आप समझ लेते हैं, एक नियम जो बताए गए हैं सहयोगी अधिगम के, कोऑपरेटिव लर्निंग के, तो इसके आधार पर आप कोई भी कहना चाहिए एक्टिविटी करवा सकते हैं। यहाँ ये नहीं है कि जो बताई गई है वही कराया जाए, आप अपना दिमाग लगाकर कोई भी कर सकते हैं इन 3 नियमों के आधार पर। तो आई एम श्योर ये आपको समझ में आए होंगे 5.4.2 टॉपिक। अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं 5.4.3, जो कि है पर्यावरण अध्ययन हेतु सहयोगी अधिगम के उपयोग। अब यहाँ पर देखिए बात की गई है पर्यावरण अध्ययन में किस तरह से सहयोगी अधिगम उपयोगी है। अब सहयोगी अधिगम तो हर सब्जेक्ट में हम करवा सकते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग, लेकिन यहाँ पर्यावरण अध्ययन में, यानी कि एनवायरमेंटल साइंस में किस तरह से उपयोगी होगा ये हम जानेंगे।
तो देखिए, सहयोगी अधिगम बच्चों में दूसरों के दृष्टिकोण और विचारों को समझने की योग्यता को बढ़ाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब ग्रुप्स में बच्चे काम करते हैं तो उनमें यह भावना आई जाती है कि इस तरह से वो दूसरे की बातों को समझें, उसको सम्मान दें और एक साथ उसमें काम करें। दूसरों के साथ घुलने मिलने का कौशल भी उनमें आता है। समस्याओं को एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे सुलझाया जाता है ये भी उनको समझ में आता है। आपात स्थितियां, कोई भी ऐसी आकस्मिक कंडीशन आ जाए तो कैसे फैसले लेने हैं, क्या निर्णय लेना है, कैसे चीज़ों को कवर करना है, ये सारी चीज़ें जो उनको आगे बहुत कुछ सीखने में मदद करती हैं। आम जिंदगी में भी वो उनको मदद के तौर पर आ जाती हैं पर्यावरण अध्ययन में, जब हम सहयोगी अधिगम का उपयोग करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के द्वारा इन सभी शिक्षकों इन सभी कौशलों का विकास संभव है। तो पर्यावरण अध्ययन को सिखाते समय ये सभी चीज़ें बच्चों को आराम से सिखाई जा सकती हैं। पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा है वो संदर्भ होता है, स्थानीय संदर्भ पर आधारित होती है, यानी कि आप जानते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में आसपास के माहौल में सिखाया जाता है, उससे सीख दी जाती है बच्चों को, उससे जोड़कर सिखाया जाता है। सहयोगी अधिगम बच्चों को अलग प्रकार से लेकिन परिस्थितियों के अनुसार उचित प्रतिक्रिया करने के योग्य बनाता है। तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग बच्चों को इस तरह की योग्यता देता है कि वो किसी भी परिस्थिति के अनुसार अच्छे से चीज़ें कर सकें और उसमें तालमेल बिठा सकें, संबंध बिठाकर सीख सकें, ये इसमें बहुत ज़्यादा होता है। पर्यावरण अध्ययन एक एक्टिव सब्जेक्ट है, जहाँ पर देखिए आपको आसपास के माहौल से सीखना है, एक्टिविटी से सीखना है, तो इसमें कई तरह के विचार और दृष्टिकोण, कई तरह के नज़रिए होते हैं। सहयोगी अधिगम परिस्थितियाँ बच्चों को इस प्रकार के कई अवसर देती हैं कि वो बहुआयामी विचारों की छानबीन कर सकें। तो यानी कि ग्रुप्स में ये पॉसिबल होता है कि बच्चे ना केवल एक चीज़ को बल्कि कई ऐसी चीज़ों की छानबीन कर लेते हैं, क्योंकि कई बच्चों के दिमाग एक साथ काम कर रहे होते हैं, कई संभावनाओं, कई परिणामों का वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब इतने सारे दिमाग मिलकर काम करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा निकल कर आता है। विद्यार्थी इस परिवर्तनशील संसार से संबंधित सभी मुद्दों के प्रति खुलते हैं, यानी कि उनकी सोच खुली हो जाती है, ओपन माइंडेड हो जाते हैं, वो काफ़ी उनकी समझ को बढ़ाता है। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है उनके विकास के लिए। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम विश्लेषणात्मक सोच समस्याओं के समाधान में सहयोगी है और काफ़ी हद तक शिक्षार्थियों को कौशल विकासों में सहायक है। तो ये बार बार कहा जा रहा है कि सारे कौशल जो आम जिंदगी में काम देते हैं, समस्याओं को सुलझाना, तर्क से सोचना, खोज करना, विश्लेषणात्मक सोच, तो ये सभी बहुत काम देते हैं विद्यार्थियों को। तो ये पर्यावरण अध्ययन को सिखाते समय सहयोगी अधिगम के माध्यम से, इस विधि के माध्यम से अपने आप होता है, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग है। तो ये आपने समझा किस तरह से सहयोगी अधिगम पर्यावरण अध्ययन को सिखाने में महत्वपूर्ण है। अब हम जानते हैं इस इकाई के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है 5.4.4 सहयोगी अधिगम की चुनौतियाँ। अब इसकी सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ें क्या हैं, क्या परेशानियाँ इसमें आ सकती हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के जरिए सिखाते समय सहयोगी अधिगम के द्वारा, तो इसको समझते हैं। देखिए, सहयोगी अधिगम जैसे कि आप समझते हैं ग्रुप्स में बांटा गया एक काम है, बच्चों को ग्रुप में काम करना होता है, एक दूसरे के सहयोग की, परस्पर सामंजस्य की आवश्यकता होती है, तो कई तरह की चीज़ें इसमें चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं। सहयोगी अधिगम सत्र की आवश्यकता, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि उद्देश्यों को किस तरह से बनाया गया है वो महत्वपूर्ण है, क्या उद्देश्य लेकर हम चल रहे हैं, क्या हमें प्राप्त करना है सिखाने से, पाठ्यक्रम के साथ इसकी किस तरह से कड़ियों को जोड़ना है, अब जो सिखा रहे हैं, जो एक्टिविटी करा रहे हैं ग्रुप में, उसको किस तरह से जोड़ा जाए कि वो सिलेबस से जुड़ सके, जो हम सिखाना चाहते हैं, जो शिक्षक ने पहले सिखाया है उससे जोड़ सकें, और एक तरह से एक तालमेल बिठाना पड़ता है। और मूल्यांकन भी बच्चों का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ग्रुप्स में कौन बच्चा कैसे काम कर रहा है, उसकी क्या शक्ति है, क्या कमजोरी है, ये समझना, तो ये भी एक महत्वपूर्ण काम हो जाता है। शिक्षक होने के नाते काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम समझें कि वास्तविक जीवन के मुद्दों से किस तरह से जुड़कर बच्चे सीख रहे हैं या नहीं भी सीख रहे हैं, किसकी क्या कमजोरी है। अध्यापक के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है, इसलिए उसकी बहुत बड़ी भूमिका भी होती है। इसमें छानबीन करना हो, खोज करना हो, प्रश्न करना हो, दूसरों के साथ अपने विचारों को शेयर करना हो, रास्ते निकालना हो, कई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें जिसमें बच्चे लगातार लगे रहते हैं और अर्थपूर्ण तरीके से समूह में दिए गए कार्य को सीखते रहने में सहायता करनी होती है। तो ये एक शिक्षक के लिए और बच्चों के लिए अपने आप में काफ़ी मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि इतने सारे ग्रुप्स को संभालना शिक्षक के लिए और खुद बच्चों को आपस में सामंजस्य बिठाना एक महत्वपूर्ण चुनौतियाँ भरा कार्य हो जाता है। तो इस तरह की कुछ चुनौतियाँ इसमें आती हैं जो अक्सर फेस करते हैं जो सिखाते हैं इस तरीके से। तो ये थी कुछ चुनौतियाँ, कुछ मुश्किलें जो आती हैं। इसी के साथ में ये जो यूनिट है वो हमारी ख़त्म होती है, यूनिट 5। इसमें हमने चुनौतियों को पढ़ा, उपयोग को पढ़ा
और नियमों को पढ़ा, सिद्धांतों को पढ़ा सहयोगी अधिगम के। ये सहयोगी अधिगम और कार्य क्रियाकलाप आधारित अधिगम इस यूनिट में हमने पढ़ा है, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। और बस इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के साथ अगली यूनिट्स को शुरू करेंगे, यूनिट 6 को। तो आप वीडियोस को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करते जाइए जिससे ये औरों तक पहुँचे, शेयर कीजिए इसको और सब्सक्राइब कीजिएगा आगे के वीडियोस के लिए, और घंटी के आइकन को सभी ज़रूर दबाइए। थैंक यू।